टीवी एक्ट्रेस आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा स्टारर गुम है किसी के प्यार में इन दिनों लोगों की निगाहों पर चढ़ चुका है। शो में आए दिन ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए जा रहे हैं जिसने फैंस के मन में कास्ट के साथ साथ मेकर्स के प्रति भी नफरत भर दी है। हाल ही में गुम है किसी के प्यार में दिखाया गया कि नायक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है लेकिन वो बेड से गिर जाता है। दूसरी ओर जैसे ही पाखी उसे सही का दिया लेप लगाने जाती है विराट उसे लेकर फेंक देता है। विनायक की बिगड़ती हालत से पूरा परिवार घबरा जाता है। दूसरी ओर विनायक मांग करने लगता है कि वो सही के अलावा किसी और से अपना इलाज नहीं करवाएगा। गुम है किसी के प्यार में के इस एपिसोड ने एक बार फिर से दर्शकों को परेशान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर विराट यानी नील भट्ट के किरदार की सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है क्योंकि दर्शक गुम है किसी के प्यार में विराट के व्यवहार से नाराज नजर आए। कई फैंस ने तो ऐश्वर्या शर्मा, आयशा सिंह और नील भट्ट स्टारर इस सीरियल को देखने से भी मना कर दिया है। दर्शकों ने विराट को पति के बाद अब पिता के नाम पर भी धब्बा बताया, साथ ही उसे विलन का भी टैग दे दिया है। एंटरटेनमेंट से भरपूर गुम है किसी के प्यार में का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए एक यूजर ने विराट को आड़े हाथों लिया और लिखा कि अगर विराट का उसके गुस्से पर नियंत्रण नहीं है तो वो उसे पागल खाने क्यों नहीं भेजा जाता है। कम से कम उसके इस बकवास व्यवहार से कुछ जिंदगियां तो बच जाएंगी। जो भी इसे वास्तविक बता रहे हैं वे कृपया अपना मुंह बंद रखें क्योंकि कोई भी पिता ऐसा नहीं करेगा। शालिनी नाम की यूजर ने लिखा, विराट एक पिता की भूमिका के लिए ठीक नहीं है, वो सेल्फिश है और अपने घमंड को अपने बच्चों से आगे रख रहा है, वो वीनू का पिता बनने लायक नहीं है। विराट यानी कि नील भट्ट के किरदार को मिलने वाले ताने यही नहीं रुके। एक यूजर ने विराट को लेकर लिखा, दुनिया के सबसे बेवकूफ पिता का अवार्ड जाता है विराट को। बता दें कि कई सोशल मीडिया यूजर ने पाखी यानी ऐश्वर्या शर्मा को भी आड़े हाथों लिया। यूजर ने नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा पर तंज कसते हुए लिखा, भट्ट कपल इस बात की प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कौन कितनी ज़्यादा बुरी एक्टिंग कर सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।